हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक मेरे व्यूवर जो है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके साथ जो है मैन्युफैक्चर द्वारा ठगी कर लिया गया। ठीक है, तो वो ठगी कैसे की गई, वो कैसे ठगे गए, इसी के बारे में आज आपको बताऊँगा। क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ये चीज़ जान जाएंगे तो आप कभी जो है ठगे नहीं जाएंगे। मतलब इस तरह की ठगी से जो है आप आसानी से बच जाएंगे। तो इसीलिए जो है आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था। इस वीडियो के जगह पे मैं ये वीडियो बनाने वाला था कि कितने अमाउंट से मैंने शॉप स्टार्ट की थी। लेकिन किसी कारण जो है इस वीडियो बनाने के चक्कर में 10 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया आप लोगों के लिए किसी और टॉपिक पर। वजह यह थी कि जो है कितने अमाउंट से जो मैं शॉप स्टार्ट किया, इसकी कहानी थोड़ी बहुत ही लंबी है और बहुत ही डिटेल में जो है मैं बताने वाला था। काफ़ी मोटिवेशनल जो है वो वीडियो है। तो जब भी मैं एक दिन मैं 8 मिनट जो है शूट करके उसके बाद से डिस्टर्ब हो गया, किसी कारण से नहीं बना पाया, किसी दिन 3 मिनट बनाए उसके बाद से नहीं बना पाया, किसी दिन 5 मिनट, आज ही जो है मैं कम से कम 5 से 7 बार या 10 बार करीब करीब मैं शूट किया हूँ। कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट पहुँचते पहुँचते कभी कोई आ गया, कभी फ़ोन आ गया, कभी कोई मैटर हो गया, तो वीडियो नहीं वो वाली बन पा रही है। और मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अब उस टॉपिक पे मैं वीडियो जो है 20,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही बनाऊँगा। मतलब उस वीडियो को मैं शूट करके जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं रख लूँगा, लेकिन उसे मैं अब पब्लिक जो है आप लोगों के लिए 20,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही करूँगा। तो चलिए, वो तो बात की बातें हैं, आज वाले टॉपिक पर मैं आता हूँ। और आज की टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारे व्यूवर हैं मध्य प्रदेश सिगरौली के रहने वाले हैं, उनके साथ किस तरह से कौन से मैन्युफैक्चरर ने जो है ठगी किया, और ठगी उसे कहा जाए कि क्या कहा जाए वो भी अभी जो है कन्फर्म नहीं है, वो आप लोग कन्फर्म करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो हमेशा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों, मैटर ये है कि जो मध्य प्रदेश सिंगरौली के हमारे एक व्यूवर हैं, नाम तो मैं उनका थोड़ा भूल गया हूँ, फ़ोन आता है बात होती है, क्योंकि मैं नंबर उनको दिया था तो बराबर कोई भी उनका मैटर होता है। और वो भी शॉप जो है मेरी वीडियो देखने के बाद ही स्टार्ट किए हैं और शॉप उनकी अच्छी चल रही है, बात जब होती है तो वो बताते हैं। तो उनके साथ हुआ क्या कि हर आदमी जो है, मतलब मैं ही हूँ, आप भी हैं, मतलब अगर ठीक है आप भी हैं, शॉप अगर जो है मतलब स्टार्ट कर लिए हैं तो आप ये सोचते होंगे कि मतलब कहाँ से हमें सस्ता से सस्ता माल मिलेगा, कौन बड़ा जो है होलसेलर है जो बहुत अच्छे रेट से देता होगा सामान। आप ये भी सोचेंगे कि यार मैन्युफैक्चरर से ही डायरेक्ट ले लिया जाए, जो होलसेलर लेता हो वो भी हमारा बच जाएगा और भी सस्ता हो जाएगा। 1 मिनट, तो दोस्तों भी ग्राहक आ गए थे, तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो ऐसे ही जो है हर व्यक्ति की, मतलब जब शॉप खोल लेता तो चाहता कि मतलब बहुत ही सस्ते रेट पे, मतलब कम से कम मार्जिन पे जो है मुझे सामान मिले, कि मैं भी जो है मार्केट में सस्ता बेच सकूँ और अच्छा प्रॉफिट कमा सकूँ। ऐसी सोच हर व्यक्ति रखता है, तो ऐसी सोच उनकी भी थी। और इस सोच को जो है वो मतलब साकार करने के लिए कह लिया जाए तो इंडिया मार्ट पे हो गए। जैसा कि हो सकता है कि कुछ लोग न जानते हों, इंडिया मार्ट जो है एक ऑनलाइन साइट है जहां से मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर तमाम लोगों का नंबर मिलता है, जिससे रिलेटेड नंबर आप खोजेंगे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो वो भी इंडिया मार्ट पे गए और इंडिया मार्ट से उन्हें कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर का, मतलब कैपेसिटर का मतलब कंडेंसर, बहुत सारे लोग कंडेंसर बोलते हैं लेकिन रियल नाम तो उसका कैपेसिटर ही होता है। कुछ लोगों को अगर ना समझ में आए तो मैं सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये एक ये है कैपेसिटर। तो इस तरह के मैन्युफैक्चरर से वो संपर्क किए जो शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मतलब उनके बताने अनुसार जब वो मेरे पास फ़ोन किए
तो उनके बताने अनुसार कि दिल्ली के जो है एक मैन्युफैक्चरर है जिनका नाम शायद सतिंदर सिंह कुछ है, इस तरह कुछ नाम है, और उनसे इनका संपर्क हुआ। उन्होंने इनको प्राइस लिस्ट भेजा, उसके साथ साथ वीडियो भेजी, मतलब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वेट का आपको जो है स्किन पे, अगर वीडियो अभी मेरे पास होगी तो मैं स्किन पे आपको वो वीडियो भी दिखा देख रहे होंगे, और नहीं होगी तो नहीं पड़ेगा, ये तो बाद में जो है वीडियो में लगाऊंगा। तो उन्होंने जो सारा डिटेल इनको भेजा, तो इन्हें लगा कि हाँ कंडेंसर तो बहुत ही रेट से है, और अगले ने इनको अपने बातों से प्रभावित भी किया कि आप काम स्टार्ट करो मुझसे, और कंडेंसर मेरा अच्छा है, फ़ोटो मैं देखा था तो मुझे भी अच्छा लगा, देखने में तो अच्छा लगा, सामने से तो जब यूज करता आदमी तभी पता चलता है, और अगर ख़राबी रहेगी तो आप माल वापस कर देना। इन्हें मतलब उसके ऊपर जो है विश्वास हो गया, मुझसे बात किए, मुझसे बात करने के बाद मुझे सारी चीज़ें बताए कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप क्या कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है मुझे भेजो, मुझे भी सारी लिस्ट वगैरह भेजे, मैं देखा, मैं कहा हाँ प्राइस लिस्ट वगैरह तो ठीक है, और देखने में कैपेसिटर भी क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन वहाँ जाओगे या ऐसे ही माल मंगाओगे। तो कहे नहीं, मतलब दूर पड़ेगा जाने में, और मैं ऐसे ही माल मंगाऊंगा, पैसा मैं भेज दूंगा, वो माल भेज देंगे। तो हम कहे यार देखो मामला दिल्ली का है, मैं ये नहीं कहता सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि दिल्ली में चूना बहुत ज़्यादा लगाते हैं भाई, दिल्ली के लोग हो तो बुरा मत मानना भाई। वजह ये है कि जब मैं गुड़गांव में था तो दिल्ली एक बार गया था, तो हमारे साथ, मुझे तो नहीं, मेरे साथ वाले को चूना लगा दिए थे वहाँ के लोग। वो कैसे चूना लगाए थे कभी, वो भी मैं बता दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। लाल किले के सामने वो भी चूना लगाया गया था, तो अगर वहाँ कुछ लोग गए होंगे उनके, वो भी अगर शिकार हुए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। तो मैं उनको समझाया, तो कहे कि नहीं भैया, और आप देखिए उनका नंबर वंबर भेज रहा हूँ, देखिए फ़ोटो भी उनका भेजे, कहे देखने से चेहरे से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, चेहरे से हर व्यक्ति अच्छा लगता है, चेहरे से तो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर कब बेईमानी आ जाए, कब क्या आ जाए, कोई नहीं जानता, मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो कहे चेहरे से अच्छा इंसान दिख रहा, तो मैं कहा भाई देख लो आप, मैं कहा वैसे तो रेट वगैरह अच्छा है, और अगर काम करना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा जाओ फैक्ट्री विजिट करो अपना, एक बार जाके देख लो, ट्रस्ट कर लो कि हाँ जो व्यक्ति बता रहा है कि फैक्ट्री से ये है वो रियल में है नहीं है। तो कहे कि दूर पड़ेगा, नहीं गए, कहे स्टार्टिंग में भी थोड़ा माल मंगाते हैं फिर बाद में देखेंगे। तो हम कहे कितना माल मंगाओगे, तो बोले 4-5 हज़ार का भी मंगा लेंगे। हमने कहा ठीक है देखो जैसा भी होगा, आप मंगाने के बाद फिर मुझे भी बताना, तो मैं भी स्टार्ट करूँगा काम, इस सीज़न से नहीं तो अगले सीज़न से स्टार्ट कर दूँगा काम कैपेसिटर का वहाँ से। उसके बाद मेरी बात नहीं, फिर कुछ दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भैया, और मैं पैसा वगैरह भेज दिया हूँ, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है, और मैं बिल्टी नंबर दे दूँगा, लेकिन अब जो है मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैं कहा यार मैं पहले ही तुम्हें जो सचेत किया था लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया, अब वेट करो क्या कर सकते हैं। कहा आप ज़रा ट्राई करिए, मैं भी फ़ोन लगाया, मेरा भी फ़ोन नहीं उठा। तो वो बहुत परेशान हुए और बहुत फ़ोन किए, लास्ट में शायद कल उनको फ़ोन तो नहीं किया, मैसेज किया कि अगर ज़्यादा फ़ोन करोगे तो ब्लॉक कर दूँगा और पैसा भी नहीं दूँगा। तो खैर थोड़ा सा शांति रखो, सामान तुम्हारा चला जाएगा। फिर आज शायद फिर ये फ़ोन किए थे तो कहा कि फ़ोन मत करो नहीं तो सही में ब्लॉक कर दूंगा, और अकाउंट नंबर अपना भेज देना, तुम्हें तुम्हारे खाते में वापस कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अक्सर, मतलब बिजी जो मैन्युफैक्चरर है तो तमाम उसके पास जो है ग्राहक होंगे, इस वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो फ्राड ही कर रहे हो। इनका बहुत छोटा सा अमाउंट है, 3,000 के अमाउंट जो है दिल्ली से जो है मतलब भेजने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ये तो मैं 100% नहीं कर सकता कि ये ठगी के शिकार हुए, हो भी सकते हैं क्योंकि ये वहाँ गए तो थे नहीं और उसको जान भी नहीं रहे, अगर वो पैसा इनका ना दे तो ये क्या कर लेंगे।
अगर ये गए रहे होते तो ये 100% श्योर रहते कि हाँ उसकी फैक्ट्री है या क्या है, कैसे काम करता है वो तमाम चीज़ें। और जो 3,000-5,000 का माल है वो तो साथ में अपने लेके चले आते हैं, लेकिन एक बार वहाँ देख तो लेते विजिट करने के बाद। तो इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अगर फ़ोन के ज़रिए किसी से कभी बात होती है तो आप फ़ोन के ज़रिए ही कभी मतलब लेन देन मत चालू करिए। हाँ, या तो फिर अगला बंदा आपके वहाँ विजिट करे, उसके बाद भी अगर आपके वहाँ विजिट करता है तब भी आप उसकी फैक्ट्री एक बार जो है ज़रूर विजिट करिए, कंफर्म हो जाए कि हाँ जो वो बता रहा रियल है कि नहीं है। नहीं तो फ़ोन के ज़रिए बहुत सारे फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अब इनका तो अभी देखते हैं, 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता देखते हैं माल आता है नहीं आता है, पैसा भेजता है क्या करता है, वो तो आने वाली बात है। लेकिन अभी तक तो उन भाई के नज़र में तो वो ठगी के शिकार जो है अपने आप को जो है महसूस कर रहे हैं, मतलब वो अब गिल्टी तो फील कर रहे हैं कि मतलब गलती हुई है। लेकिन छोटे छोटे धोखा तो होते हैं, इसी बात नहीं, आदमी इसी से सीखता है। मेरे साथ भी ठगी तो नहीं हुआ, मेरे पास तमाम जो मैन्युफैक्चरर जो संपर्क किए हैं और जो अपना सारा जो है प्राइस लिस्ट से लेके सैंपल वगैरह सारा भेजे और बोले कुछ अगर आपका ऑर्डर हो तो आप बताइए, मैं उनसे डायरेक्ट यही पूछा क्या चाहिए प्लग लीड। एक मिनट। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट मेरे साथ भी एक मैटर हुआ है, जबकि मैं उसमें ठगी का शिकार नहीं हुआ हूँ। जैसे कि एक हमारे पास कानपुर से एक पार्टी मुझे फ़ोन की कि मतलब इलेक्ट्रिक का मेरे पास ये फला फला प्रोडक्ट है और क्या आप मतलब इंटरेस्टेड है, मतलब लेना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप प्राइस लिस्ट और सैंपल वगैरह मुझे कुछ व्हाट्सअप करिए, मैं देखता हूँ। तो उसने जो भी उसके पास सैंपल था, प्राइस लिस्ट वगैरह, कैटलॉग वगैरह मेरे पास मतलब उसने भेजा। भेजने के बाद जो है मैं कहा ठीक है, सब तो समझ में आ रहा, लेकिन जब तक मैं सैंपल नहीं देखूँगा तब तक मैं नहीं कुछ आपके साथ काम स्टार्ट कर सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, तो आप मेरे वहाँ विजिट करिए, मैं आपको यहाँ सैंपल दिखा दूँगी। तो मैंने पूछा कहाँ, तो उसने बताया कानपुर में, एड्रेस वगैरह दिया। उसने पूछा कब आ रहा है, तो अब इतना तत्काल में मुझे टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ, और जाने में वहाँ पे फिर टिकट, ट्रेन टिकट वगैरह तामझाम बहुत सारे, और इस टाइम काम वगैरह है नहीं, तो प्रॉब्लम भी थोड़ी सी है साथ में। तो मैं नहीं गया, फिर उससे व्हाट्सएप पे उसने कॉन्टेक्ट किया कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह। मैं कहा अच्छा ठीक है, ये बताइए आप माल पहले भेजोगे या मुझे पहले पैसा भेजना होगा। तो उसने कहा कि आपको पहले पैसा भेजना होगा। तो मैं बोला मैं आपके साथ तब काम नहीं कर पाऊँगा। उसने कहा लखनऊ में मेरी फैक्ट्री है, मेरे वहाँ से लखनऊ 250-250 किलोमीटर। मैं कहा ठीक है, मैं लखनऊ आ फैक्ट्री पे भी, वो फैक्ट्री पे पता नहीं क्यों विजिट मतलब करने के लिए एग्री नहीं है। तो मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अगर आप मुझे फैक्ट्री पे विजिट नहीं करवाएंगे, मुझे नहीं दिखाएंगे, तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, या फिर आप जो है पहले मुझे सामान भेजें फिर मैं आपको जो है उसका पेमेंट भेजूँगा, मतलब मैं अपनी बात रखा। तो उसने कहा सॉरी। मैं कहा ठीक है, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। आज उसने हाल चाल जो है व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे लिया, लेकिन अभी कोई वैसी बात नहीं होगी, अगर कुछ बात होती है तो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों कभी भी जो है किसी के साथ आप अगर इस तरह का काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सतर्क होकर करें। आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो है काम स्टार्ट करना चाहें तो एक बार उसके शॉप पे, या उसके मतलब अगर होलसेलर तो उसके शॉप पे, और अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसके फैक्ट्री में, ऑफिस पे मत जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस डाल के सैंपल दिखा के चूना लगा जाएंगे। आप उसके फैक्ट्री पे विजिट करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री जो होती है फिक्स होती है, फैक्ट्री कहीं लेके नहीं भाग पाएंगे, ऑफिस के आज यहाँ कल कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती, कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो वो भी भाई धोखा खाए हैं, बहुत बड़े अमाउंट से नहीं, 3,000 गलीमत है, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे एक चीज़ और लगता है कि बहुत छोटा अमाउंट होने की वजह से अगला जो है ध्यान नहीं दे पा रहा, अब उसके पीछे का रियलिटी क्या है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इनका माल भेजता है, पैसा भेजता है, या दोनों नहीं भेजता। तो जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बता ही दूंगा। मैं भी उससे बात करने की कोशिश किया, बात तो नहीं हो पाया क्योंकि रेट वगैरह अच्छा, तो मैं सोचा ठीक है उसी से कैप हीटर वगैरह लेंगे। तो देखते हैं जैसा भी होगा आपको उसका अपडेट देते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर हो गई, लेकिन हर एक पॉइंट पर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप ठगी के शिकार ना हो सकें।
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अब तो लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ ये भी कमेंट करके बताएं, और किसी तरह की कोई क्वेश्चन आपका पर्सनली हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज करें, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।